and these two gifts, which we are about to receive from your bounty, through Christ our Lord. Amen. मुझे था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाय हाय हाय, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, ये लोग नाश्ते के बाद लेट। शाइन देखी के अच्छी लग रही है। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड अदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लेट उठे हैं और मैंने अभी उठ के चेंज वेंज किया है, तो मैंने कहा क्रिसमस डे है, थोड़ा सा हम ऐसे वैसे कपड़े पहन लें। तो फिर अभी किचन में भी जाना है और किचन में आज क्या बनाऊंगी, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले कुछ और था और अभी कुछ और बोल रहे हैं बनाने के लिए। तो नाश्ते के क्या सीन हुआ कि हलवा पूरी खानी थी और हम इतने लेट उठे कि हलवा पूरी की सब जो शॉप्स थी वो बंद हो गई। फिर उसके बाद हस्बैंड ने ब्रेड ब्रेड लाई, फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि ब्रेड ब्रेड का ब्लॉग क्या बनाना है, इसको छोड़ो। तो बच्चे दोबारा से फिर लेट गए, तो ना पता है क्या हुआ, फिर बच्चे फिर दोबारा लेट गए। वो कह रहे थे आज हमारा इतना दिल था हलवा पूरी खाने का, तो सारी जो शॉप्स थी हलवा पूरी की वो बंद हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा लेट उठे, एक बजे तक वो सारी बंद कर देते हैं, 12 बजे तक तकरीबन कि हमारा हम लोग 1 बजे उठे। उस वजह से ना फिर हमने ब्रेड का नाश्ता किया, वो मुझे था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाय हाय हाय, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, ये लोग नाश्ते के बाद लेट गए हैं और मुझे बहुत ढेर सारे काम करने हैं और खाना वाना बनाना है। और आज के दिन ऐसा है कि फिर शाम में फिर कोई ना कोई आ जाएगा, अभी सब नाइट प्रेयर करके तो फिर सोए होते हैं क्योंकि सुबह के कोई 6 बज जाते जब सोते हैं तो फिर थोड़ा तो सोना बनता ही है ना। तो ईद का दिन हो और सोना सोना सोना, लेकिन मैं उठ गई थी, मैंने पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लिया था, फिर बच्चों के साथ खाया और अभी मैं किचन में चलती हूँ क्योंकि मैंने किचन में आज थोड़ा सा हस्बैंड के साथ थोड़ी बात बात करते हैं, पूछते हैं क्या बनाना है। वैसे थोड़ा सा रात को डिसाइड हुआ था, फिर अभी थोड़ा सा और पूछ लेते हैं क्योंकि मैं अकेली तो खाने वाली हूँ नहीं, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या बनाएं, फिर उनसे देखते हैं। अरे ये देखें केक भी आ गए हैं। हमारी वीडियो क्यों नहीं बनाई तो अच्छा शाइन ने बोला था। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस, से मैरी क्रिसमस जोर से जोर, मैली क्लिच मिच, मैली क्लिच मिच दाओ। सो अभी मैं किचन में जा रही हूँ और मैं केक दिखाने लगी थी, जो केक आए हैं शायद बाबा लेके आए हैं, वो अभी घर पे नहीं है, तो मैंने कहा देखती हूँ, मुझे लगता है यहाँ तो बाबा लेके आए हैं या कहीं से आए हैं। अच्छा जी, बाबा भी आ गए हैं। ये केक कहाँ से आए हैं? है तो अम्बाला बेकरी के, लेकिन मैं कह रही हूँ आप लेके आए हैं बाबा। सो अभी बताते हैं आके, क्योंकि वो बाहर किसी से कोई बात बात कर रहे हैं और बच्चे इधर एक्साइटेड हो के बाहर आ गए हैं कि केक किधर से आए हैं। सो फ्रेंड्स, एक और भी आया। अच्छा दिखाओ, कह रहे हैं जी एक और भी केक आया है। उफ 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 उफ, पाँव नहीं मारते बेटा, फ्रिज में खाना वाना होता है ना। उपशी, एक और केक आ गया। सो आज रात को भी क्रिसमस का केक कटा था प्रेयर पे ना, प्रेयर के बाद तो केक भी खाया था हमने, लेकिन फिर वो कॉपीराइट की वजह से, आपको पहले भी मैंने बताया था कि जिस वजह से मैंने फिर ब्लॉग ही नहीं बनाया। और वाओ थैंक यू जिन जिन्होंने ये केक भेजा है। तो फिर अभी मैं किचन का भी देखती हूँ काम वाम, और देखते हैं जी किचन में जो बिखरा हुआ है सिस्टम सारा, उसको समेटते हैं और खाना बनाते हैं और मिलते हैं फिर शाम में, शायद अभी खाना वाना थोड़ा बनाती हूँ मैं। सो शिवु ध्यान से गुड, हाँ मैरी क्रिसमस बोला शिवु ने। ओके चलें जी, फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ अभी। हमारे पीछे
सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कोरमा रेडी कर लिया है। बस कोरमा ही बनाना है, कुछ बाहर से आ जाएगा कुछ ना कुछ। उसके बाद बच्चे वगैरह रेडी हो रहे हैं, शाइन इधर रेडी हो रही है, और यहाँ पे शाइन भी, यहाँ वो ही शाइन की आंखें बल रही हैं। तो यहाँ पे शिवू ने ये ड्रेसिंग की है आज। ये लोग केक्स देने जा रहे हैं अपने दादों के घर। और शाइन कैसा लग रहा है शाइन? अच्छा लग रहा। चलो चलो, सॉक्स पहने, शूज पहनाओ ना। शूज पहन के जाती है ना जब कहीं जाती है तो। नो बेटा, आप बाहर जाओगे, बाहर ना हवा चल रही है, ये गर्मी नहीं लगती है। बाहर कहीं जाती है फिर शूज पहन के जाती है, ठीक है? Just looking like a wow. White shoes, जी. Shine? Lighting वाले shoes. Shine? Shine? You are just looking like a wow. Wow. ये देखिए, ये इसको gift मिला है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। कुड़ी दिया ते बत्तियाँ भी जल गई ना। अच्छी लग रही है white. Oh God, guys, बताइए. सारी जूतियाँ ये ग्राई, मुझे गुस्सा इतना आया, सारी जूतियाँ गिर गई ना। मैंने ऐसे पकड़ो, ऐसे की सारी जूतियाँ गिर गई। और अभी फिर शिवान की जूती, कपड़ा हो रहा है हमारे। यार मुझे आपके शूज याद नहीं आ रहे, मैंने कहाँ रख दिए हैं ना, उस वजह से फिर मुझे दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ तो है ही नहीं आपके शूज। यार किसी शॉप पर में थे, पिंक कलर के। पिंक कलर का कपड़ा हो गया। अभी मैं इनको पैक करती हूँ यार। ओके, मेरी जल्दी दिखाओ गाइस। गाइस मैंने ये वाली ली थी। और शाइन की किधर है? वो भी चला। शाइन की लाइट्स जलाओ उसके शूज। ना जस्ट फन। और अपने जो शूज क्या ही भी गाइनो के शूज। अच्छा, शाइन के शूज नहीं उतारना, अभी उधर बैठ जाओ भाई। सब मुझे कहते शूज तो बड़े अच्छे लगे मुझे। बहुत प्याली लग रही है शाइन, बहुत अच्छी लग रही है। उधर नैना ने भी अपने ड्रेस चेंज कर लिया है, जो लिया था वो नहीं पहना, जो एमी एमी है वो पहना हुआ है। हेलो गाइस, बहुत अच्छे लग रहे हो। सो फाइनली हमारी मॉडल तैयार हो गई हैं। बस उसको थोड़ा सा और है कि उसका इनर क्यों नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लोग तो जानबूझ के इनर दिखा रहे होते हैं। मैंने इसको बोला तो बहुत अच्छी पिंस देखें जी, बहुत प्यारी लग रही हैं। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। शिवू बोल के सी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और मामा का ड्रेस चेक करें, पजामा हो और कमीज हो, और इसलिए कि मुझे सर्दी लग रही थी। ये मेरी वेलवेट की शर्ट थी जो मेरा बड़े पुराना गिफ्ट है, तो फिर मैंने इसको पहन लिया ना। तो ये लोग रेडी हो रहे हैं और मैं ज़रा देखूँ। मुझे लगा हमारे घर पे केक्स आए हैं, लेकिन ये केक्स बाबा लेके आए थे देने के लिए, तो मुझे पता नहीं था। मैंने बोल दिया वाओ केक्स आए हैं, ये तो देने जा रहे हैं, ये तो क्रिसमस केक होता है। यार एक आया हमारे घर। हाँ, एक वो वाला आया है ना, किसी ने दिया है ना। तो चलें, कोई बात नहीं, गलत फहमी नहीं हो सकती है। ईदी जमा हो गई है। मैंने भी ईदी जमा कर ली है जी। तो व्यूअर्स, बच्चे वापस आ गए हैं और इनको दादों के घर से और ताया के घर से कुछ खाना भी मिला है और ईदी भी मिली है। तो दादों ने दी है सेवइयां और ताया ने भेजा है क्या है, गजरेला और बिरयानी। तो हमने बनाया हुआ था कोरमा, जो कि मैं इनका वेट कर रही थी कि जब ये लोग आएंगे वापस तो खाना खाएंगे। तो बीफ कोरमा आज बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने नहीं बनाया था। तो आप सबको पता है कि गैस की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वजह से ज़्यादा खाने बना ही नहीं सकते। एक खाना मैं बना लूँ ना तो वही बड़ी बात होती है। और ऐसे भी वैसे भी कुछ बाहर आने जाने का भी होता है, तो
और ये वाले नान भी मेरे बड़े फेवरेट हैं। शिवान उसको कह रही है कि बहुत ज़बरदस्त हैं। बाकी मैं खाना वाना यहाँ लगाती हूँ और हस्बैंड बैठे हुए हैं अपने भाईजन से बात कर रहे हैं, और मैं ज़रा सेटिंग वेटिंग मैंने कहा कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो फ्रेंड्स, आप सबका क्रिसमस डे कैसा गुजर रहा है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा ये नॉर्मल फर्स्ट डे होता है, घर पे ही होता है, क्योंकि पूरी रात जो इबादत के बाद इतनी थकावट हो जाती है कि बंदा सोता है, और उसके बाद जो खाना वाना अगर बनाना है तो बना लेते हैं, नहीं तो बाहर वाहर चले जाते हैं। लेकिन मेरे पास स्वीट भी था तो इस वजह से मैंने फिर इतना बाहर का किया ही नहीं। तो मैं ऑलरेडी रायता बना हुआ था, सैलेड था, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, और यही क्रिसमस होता है। और तो ईद पे तो खाना पीना ही होता है, बच्चों को होता है ज़रा बाहर वाहर निकले, लेकिन कल हो सकता है कि हम लोग कहीं जाएं तो, या फिर यहाँ कोई आ भी सकता है, जैसे कल की बात कल पे ही वैसे करनी चाहिए ना। और शिवान यहाँ पे मेरी वीडियो बना रही थी और जो ऑल फॉल उसने वॉइस ओवर कर दिया जो मुझे कट करना पड़ा। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना वाना यहाँ टेबल पे रखा और बच्चों के साथ फिर मैंने कहा चलिए जी हम खाना अब खाते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वेट कर करके इनका भूख लग गई थी ना। तो फिर मैंने इनको बुलाया और शिकायना को, और उसकी एक फ्रेंड भी आई थी, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आ जाओ भाई हम खाना खाते हैं। लेकिन बच्चों ने तो खाना नहीं खाया, शिवान ने, मैंने और बाबा ने बैठ के खाना खाया ताकि और फिर मैंने कहा कि खाना भी शेयर करते हैं आप सबके साथ, और प्रे करते अभी हम खाना एंजॉय करते हैं। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग पे कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं हम आपको किसी अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। मिलते हैं, बाय।